आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं ये है आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME301। उसका ये एक टॉपिक है 6th यूनिट का 6.2। टॉपिक नेम है लिमिटेशन ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इन क्रिएटिंग ऑफ लो टेंपरेचर। टॉपिक के अंदर हमें जो देखना है वो है कि अगर हम VCRS को लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या लिमिटेशंस होंगी और उसको यूज करने में हमें क्या ड्रॉबैक्स देखने को मिलेंगे। तो पहले हम एक बार VCRS जो सिस्टम है उसका बेसिक डायग्राम है वो एक बार देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं और उनके क्या क्या काम है। स्लाइड जो आप देख रहे हैं इसमें कंपोनेंट्स हमें दिख रहे हैं। मेन कंपोनेंट्स है इवेपोरेटर है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है और एक थ्रॉटलिंग डिवाइस लगी हुई है। इवेपोरेटर और कंडेंसर क्या है, दोनों हीट एक्सचेंजर डिवाइस होती है। इवेपोरेटर है जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर और कंडेंसर के अंदर हीट रिजेक्ट हो रही है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। कंप्रेसर है, इसके अंदर कंप्रेशन होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और थ्रॉटलिंग के अंदर क्या एक्सपेंशन होगा, वो भी आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होगा जिसके अंदर एंथैल्पी चेंज नहीं होगी। तो ये एक VCRS बेसिक जो VCRS होता है उसका हम डायग्राम देख रहे हैं। इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं कि VCRS क्या होता है। बस अब जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कि लिमिटेशंस क्या है अगर वेपर कंप्रेशन को हम यूज करते हैं लो टेंपरेचर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए। तो इवेपोरेटर अगर VCRS का अगर हम देखें तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर हम जाएंगे वो अगर हम अचीव करना चाह रहे हैं तो हमें काफी सारे ड्रॉबैक्स देखने को मिलेंगे और वो ड्रॉबैक्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रेफ्रिजरेंट्स है, जैसे अगर हम सारे रेफ्रिजरेंट्स को यूज करना चाहते हैं VCRS के अंदर तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे रेफ्रिजरेंट्स हैं उनके फ्रीजिंग टेम्परेचर अलग अलग है और जो हमें अचीव करना है लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर वो है बहुत लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर के लिए उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर भी लो होना चाहिए। तो टेबल के अंदर अगर हम सारे रेफ्रिजरेंट्स देखें तो लास्ट के चार रेफ्रिजरेंट्स अगर आप देखेंगे तो उनका फ्रीजिंग टेम्परेचर काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो हम टेम्परेचर अचीव करना चाह रहे हैं हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम से उससे पहले ही हमारा रेफ्रिजरेंट क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से हम कुछ रेफ्रिजरेंट्स को यूज नहीं कर पाएंगे VCRS के अंदर। अगर हम सिंगल स्टेज VCRS की बातें कर रहे हैं अभी कि सिंगल स्टेज जो VCRS है सिंपल उसको यूज कर रहे हैं अगर हम लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन के लिए। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, हम ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, हाई है। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला अगर हम रेफ्रिजरेंट ले रहे हैं तो जो इवेपोरेटर के अंदर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली लो हो जाएगा और सक्शन वॉल्यूम भी लार्ज होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, अगर हम ऐसा रेफ्रिजरेंट लेते हैं जिसका लो बॉइलिंग टेम्परेचर है तो क्या प्रॉब्लम होगी, तब कंडेंसर का जो प्रेशर है वो बहुत हाई हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखते हैं तो सीओपी का है, जो कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो बहुत ही लो होगा। क्यों होगा लो, क्योंकि हाई प्रेशर रेशियो होगा। अगर हाई प्रेशर रेशियो आ रहा है, प्रेशर मतलब जो प्रेशर हमारा जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर है दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा है और उसकी वजह से हमारा जो प्रेशर रेशियो है वो ज्यादा आएगा तो सीओपी भी हमारा क्या होगा, लो होगा। फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें तो इक्विपमेंट है हमारे मैकेनिकल इक्विपमेंट, उनको ऑपरेट होने में प्रॉब्लम आएगी लो टेम्परेचर पे। तो ये हमारे कुछ हमने पांच पॉइंट्स डिस्कस किए जो अगर हम सिंगल स्टेज VCRS को लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो हमें ये ड्रॉबैक्स देखने को मिलेंगे। तो अगर हम VCRS को यूज करना चाह रहे हैं
लो टेम्परेचर के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, एडवांस इसका जो टर्म है वो है कैस्केड सिस्टम। तो कैस्केड सिस्टम को यूज करना पड़ेगा लो टेम्परेचर अचीव करने के लिए। जो कैस्केड सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, कंप्रेशन है वो मल्टी स्टेज में होगा, उसके अंदर कंप्रेशन सिंगल स्टेज में नहीं होगा, तो उसको कैस्केड सिस्टम बोलेंगे। तो वो एक ऑल्टरनेटिव है, अगर VCRS को ही यूज करना चाह रहे हैं और लो टेम्परेचर अचीव करना चाह रहे हैं तो हमें कैस्केड सिस्टम को यूज करना पड़ेगा। तो हमने इसके अंदर ये टॉपिक का जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।